अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज कुमार पांडे के नेतृत्व में फर्रुखाबाद जिला अध्यक्ष धीरज त्रिवेदी के द्वारा जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की मीटिंग कायमगंज स्थित एक गेस्ट हाउस में हुई। वहां सभी पदाधिकारियों के द्वारा मानवाधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इस मीटिंग में कायमगंज के वरिष्ठ व्यापारी वर्ग के लोगों ने भी भाग लिया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के निम्न पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। धीरज त्रिवेदी, शिवम राठौर, गोपाल सक्सेना, गौरव यादव, आसिफ खान, रवि शुक्ला, चंद्रशेखर शर्मा, कुणाल कटियार, दिनेश चंद यादव आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। 400 गांव हैं जो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। हम जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जमीनी स्तर पर काम करता है, उन लोगों को मौका देता है जो किसी की आवाज बनना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, दो लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है, एक दोषी है एक निर्दोष है, आपने इंटरफेयर किया, वैसे ही क्या वो बोलता है पुलिस प्रशासन, आप कौन होते हैं, आप बीच में क्यों बोले। वो अथॉरिटी देता है ह्यूमन राइट्स, यू कैन इंटरप्ट एनी हेयर एंड एनी डिस्प्यूटेड मैटर, वो पावर देता है ह्यूमन राइट्स। आपको पूरी अथॉरिटी है, जहां भी कानून का शोषण हो रहा हो, मानवीय अधिकारों का शोषण हो रहा हो, असंवैधानिक तरीके से कार्य हो रहा हो, यू कैन इंटरप्ट एनी हेयर एथराइज पर्सन और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस करती है ह्यूमन राइट्स को कि आप कहीं भी इंटरप्ट कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप में से बैठे हुए बहुत सारे लोग समाज सेवक हैं, समाज सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो पावर नहीं हाथ में है अभी, उस पावर को देता है हमारा संगठन। इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के माध्यम से आप उन लोगों की सेवा कर सकते हैं जिनकी कोई सेवा नहीं करता, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए, दबंग मारता है, रिपोर्ट नहीं लिखा जाता, नाजायज फंसाया जाता है, कितना करप्शन है हमारे चारों तरफ। लेकिन संतुष्टि कब मिलती है, अगर हमने एक भी व्यक्ति के चेहरे पर स्माइल ला दिया, स्माइल मतलब सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। मानव जीवन लेकर के अरे अपने परिवार के लिए और अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, गलत कह रहा हूं, लेकिन जो समाज के लिए जीता है ना,